नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। आए दिन अपराधियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला जुरावनपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसको आनंद फानन में इलाज के लिए पटना सिटी के अगमकुआं स्थित NMCH अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान जुरावनपुर निवासी राजीव रंजन के रूप में की गई। बताया जाता है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थोड़ा हो गया था, तो भी समझे वोट चारा बना देता हूँ। सब आया चार पांच भाई मिल कर अकल का कि मार देंगे जान तुझको, जो आदमी से थे। तो हम आज सुबह आ रहे थे तो गाड़ी चला रहे थे, हम पीछे बैठे हुए आया, गोली लेकर ऐसे टांग दिया बंदूक लेकर, तो हाथ से धरे तो उनको हाथ में लग गया। उसके बाद फिर हाथ में लग गया तो गिर गया, तो फिर एगो जांग में मार दिया। तो वहीं पर हम दोनों उठे पड़े थे, गांव सब वाला आए और उसके बाद फिर ले गए। कौन मार दिया? और बिंदुल नाम है उसको। कौन, कहाँ का मामला है ये? जुरावनपुर पहाड़पुर पश्चिमी का। कौन थाना पड़ता है? जुरावनपुर थाना। अच्छा, तो अभी आप NMCH आए हैं, क्या हुआ? वो आए थे हम इलाज के लिए, तो डेड कर गए। क्या नाम है उनका? राजीव रंजन। आपके कौन लगते हैं वो? दादा। झगड़ा का कारण क्या है? झगड़ा का कारण कुछ नहीं, आए दिन से जब ना तब उड़ता कोई पर मारने लगता है, पीपा का गोली चलाने लगता है। कोई मामला हुआ था? नहीं, कुछ मामला नहीं हुआ। तो कैसे गोली मारा था? वो आ रहे थे ना घाट पर से, तो वोट नहीं है उसको, घर है वही पे वोट है, वोट पर पैर पीछा क्योंकि सब वोट बना देता है। अब कुछ तब कुछ कुछों के उखड़ जाता है, तो कुछ उखड़ जाता है। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार।